मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं, हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे, मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं, हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।